लो दोस्तों, आ चुका हूँ मैं फिर से एक और एपिसोड लेकर। हाँ जी हाँ, मेरी सीरीज़ का नाम है अभी तक रिवील नहीं गया, लेकिन मैं बताऊँगा मेरी सीरीज़ का नाम। मेरे प्लेलिस्ट अगर जिसने देखी होगी ना, उसको तो पता है कि प्लेलिस्ट में क्या नाम है सीरीज़ का। ओके, और एपिसोड में तो कहीं भी उसका मेंशन नहीं है कि सीरीज़ का नाम क्या है, लेकिन आगे जाकर इस नाम का भी कुछ मतलब निकलेगा। ठीक है, एपिसोड 4 आ चुका है, तो जाके इसको लाइक कर दो, जो भी नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन और बेस्ट दोस्तों को शेयर कर देना, कमेंट बताओ वीडियो कैसे की। बाकी स्टार्ट करते हैं, और हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, 800 के होने वाले हैं तो 800 करवा दो, 800 की तरफ बढ़ भी रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ करवा दो यार, मेरा भला हो जाएगा। और 1000 का गोल है, तुम्हें पता है ना मैंने सोचा कहाँ था और अब कहाँ तक होगा पता नहीं, और कब तक वेट कराएगा, पर हाँ तुम्हारे पर भरोसा है इसलिए तुम लोग ये कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, 1 मिनट हो गया बस। तो गाइस आ चुके हैं अपने वर्ल्ड में, और आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे सामने समुंदर है, एक टू साइड। ठीक है, इस साइड द बीच साइड, 3 साइड। ओके, तो हमारे यहाँ चारों तरफ पानी है, और यहाँ पर हमारे इस रास्ते पे हमारा घर है। ठीक है, तो इतनी दूरी पर हमें मिला एक स्पॉनर। अगर तुमने मेरी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में सॉरी है, जाकर देख लो, क्योंकि हमने ये बिल्ड बनाया था, और इस बिल्ड को बनाते हमने 2 पार्ट कर दिए, क्योंकि वो वीडियो लंबी हो गई थी और मेरा जो अपलोडिंग डाटा रहता है वो बहुत कम रहता है, इसलिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करके उसे अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो जाके देख लेना यार, आई बटन में सॉरी है। और हाँ, तो मैंने स्पॉनर ढूंढ लिया है, और यहाँ पर हम बनाने वाले हैं वही जो हमने लास्ट वाली वीडियो में बोला था, एचपी फार्म। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो बिल्ड में बना सकता था, लेकिन प्रॉब्लम आती है कि पता नहीं वो वर्क करेगा या नहीं, पर ये तो 100% वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें मिलता है स्पॉनर जिससे एचपी मिलती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी स्पॉन होने वाला, जैसे कि जॉम्बी फार्म, स्केलेटन फार्म तो मिल जाता है आराम से। ठीक है, और स्पाइडर फार्म। ठीक है, तो ये 3 फार्म तो मिल जाते हैं, इसलिए तुम अपनी एचपी बढ़ा सकते हो। मुझे यहाँ पर जॉम्बी स्पॉनर मिला है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर इतनी दूरी पर। ठीक है, ये 100 ब्लॉक के दूरी पर या 200 ब्लॉक की दूरी पर है ये स्पॉनर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ढूंढते ढूंढते आया, और ये ढूंढने का देखो बहुत ही हार्ड चांस है कि तुम्हें मिल जाए, तुम्हें बहुत टाइम लगेगा अगर तुम इस वर्जन में ढूंढना चाहोगे, क्योंकि इस वर्जन में तुम्हें ढूंढने के लिए क्या करना पड़ता है पता है। देखो, जावा एडिशन में 2 ऑप्शन देते हैं, पहले तो 2 थे, अब तो 1 ही रह गया, वो है स्पेक्टर मोड। ठीक है, और इसमें भी आ चुका है, लेकिन ये मेरा जो वर्जन है ओल्ड वर्जन है। ठीक है, तो इसमें स्पेक्टर मोड आ नहीं सकता, इसके मोड के थ्रू ला सकते हैं, और यहाँ पर वो फार्म में लगता है ना, वो मैं नाम भूल गया, स्क्रीन पे दिखा दूंगा, मतलब ये जो चीज़ है इसके थ्रू ऊपर सैंड डालकर हम देख सकते हैं, वो जावा एडिशन में यूज होता था, वो यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, अब तो उसमें भी नहीं होता क्योंकि वो बंद हो चुका है, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, अचानक आ जाएगा तो बोल दूंगा। ठीक है, लेकिन वो जो भी बोलो, इसमें बस एक ही चीज है जिससे तुम इन चीजों को ढूंढ सकते हो, इसकी ब्लॉक के आरपार देख सकते हो। वो कैसे मैं आपको बताऊंगा, छोटा सा डेमो दूंगा, मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ मैं बताता हूँ तुम्हें। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ प्रूफ करके दिखाऊंगा कि किस तरह मैंने इसको ढूंढा है। ठीक है, ये ट्रिक पता नहीं तुम्हें किसी ने बताई या नहीं बताई, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पॉकेट एडिशन के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन लाइक तुम अगर चीटिंग नहीं करना चाहते, लाइक स्ट्रक्चर मोड आ चुका है फिर भी तुम ऐसे ढूंढना चाहते हो, तो एक ही आसान तरीका है, बस तुम्हारा मोबाइल ज़्यादा ही फास्ट ना हो, क्योंकि इसमें फटाफट लोड होता है, और मेरे यहाँ पर लोड होने की थोड़ी प्रक्रिया थोड़ी स्लो है। ठीक है, अंधेरा होने वाला है तो मुझे करना चाहिए नहीं, आते तेरा मिल जाएगा तो नहीं दिखेगा। यहाँ पर खड़ा होता हूँ, अब तुम्हें दिखाता हूँ स्पॉनर कैसे दिखता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एरो लगा दिया, अब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, मतलब क्विट होऊंगा इस वर्ल्ड से, वापस ज्वाइन होऊंगा। ठीक है, मतलब वापस एंटर करूँगा। ठीक है, तेरा में होगा। ओके, वो देखो गाइस, वो देखो ये तुमने देखा, चंद सेकंड के लिए वो आया और यहाँ से दिखता है। हमें अंधेरा होता है, मैं सोता हूँ क्योंकि मुझे ज़ॉम्बी का तो से नहीं पिटना, मैं अभी तक इस वर्ल्ड में मरा नहीं हूँ एक बार भी। ठीक है, तो मेरी एचपी देख सकते हो, मेरे लेवल्स देख सकते हो हिसाब से, तो मैं अभी तक मरा नहीं हूँ उसमें। और मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, मैंने इस ट्रिक से ढूंढा इस स्पॉनर को। ठीक है, मैं ऐसे ही लोड होता हूँ, देखो आसपास का, तुम्हें मान लो कि कोई चीज़ पर मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया या फिर तुम्हारा रुइन पोर्टल हो गया, तो तुम ऐसे देख सकते हो। ये बस ओल्ड वर्जन का ग्लिच है, जो मतलब जब वर्ल्ड जनरेट होता है तो कुछ चीज़ें वो मतलब
ब्लॉक जनरेट करता है, पर जो चीज़ होती है कोई रेयर आइटम होता है जैसे चेस्ट हो गया, ज़ोंबी हो गया, तो ये कुछ ऐसी मॉब होता है या एंटिटी बोलो इनको, या फिर ऐसी एंटिटी बोलो इनको इस वर्ल्ड की, तो ये चीज़ें पहले से रेंडर होती है और फिर वर्ल्ड होता रहता है जनरेट, ठीक है। तो भैया ये जनरेट नहीं होता, ये ऑटोमेटिक तुम्हारे सामने जो चीज़ें होती वो जिंदा रहते हैं, दिखते हैं, जैसा होता है ना ब्लैक ऑक्टोपस, तो ये सब दिखती रहती है, ये क्योंकि एंटिटी है ये, मतलब ये ऐसे जनरेट नहीं होती, ये पहले से मौजूद होती है। तो वो स्पॉनर में मैंने ऐसे देखा था, वो भी कहाँ से देखा था, मैंने उस तरफ से नाव आते देखा, मैंने कि स्पॉनर मिल गया, मजा आ गया, तो मैंने ऐसे ऑफलाइन स्पॉनर ढूंढा है, ठीक है। तो ये ट्रिक तुम खुद आजमा सकते हो ओल्ड वर्जन का, या फिर नए वर्जन में भी ट्राई कर सकते हो। माइनक्राफ्ट का ऐसा ऑप्शन है जो तुम्हें बहुत जल्द बहुत सारी चीज़ें दिला सकता है, लाइक स्पॉनर या फिर रोइन पोर्टल, ऐसी चीज़ें तुम्हें दिखा सकता है, ठीक है। तो तुम्हें बस क्या है ना कि क्विट और एंटर करना होता है, ठीक है, या फिर कोई अगर तुम दिखाना नहीं चाहते तो तुम डायरेक्ट स्ट्रक्चर मोड में जाकर देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन आ चुका है। मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अभी तो उस वर्जन को क्विट कर रखा है, क्योंकि मेरा वो लैग करता है, क्योंकि वो ज़्यादा ही ओवर पावर हो चुका है, उसके लिए बड़ा डिवाइस चाहिए और मेरे पास ये डिवाइस में उसके औकात नहीं है, तो मैं उसको अभी तक इंस्टॉल नहीं कर रहा, ठीक है। फिलहाल तो मैं जाता हूँ, मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने बस अभी लेडर्स लगाई क्योंकि मैं ऊपर बार बार आता जाता रहूँगा, ठीक है, और ये स्पॉनर मुझे याद दिखाई, ठीक है। तो मैंने अभी तो हाँ ये तुम्हें पता है लास्ट वाली वीडियो में मैंने सिर्फ बहुत गाले दिए, गलती माइनक्राफ्ट की नहीं, गलती हम लोगों की है। अंदर सीन में आते ही ये धुन बजती है, बहुत ही प्यारी धुन है, क्या करे, माइनक्राफ्ट वाला अच्छे अच्छे रुला रखा है भाई। पहली बार जो माइनक्राफ्ट खेलेगा ना तो भाई रोने लग जाएगा कि ये हॉर्न वाला माहौल की वजह से बन रहा है, ठीक है, तो ऐसा लगता है, मैं ज़्यादा बोलता हूँ। अब मैं काम शुरू करता हूँ, तो मैं अपना छोटा सा रूम भी बनाऊंगा, क्योंकि मुझे वहाँ पर रूम चाहिए मुझे, तो मेरे को ये एक्स से इस पूरी चेस्ट को तोड़ कर नीचे ले जाकर शिफ्ट करनी होगी, ठीक है। आ गया ना सारा सामान एक क्लिक में आ गया, ठीक है। और मैं नीचे जाकर अपना छोटा सा रूम बनाऊंगा, ठीक है। तो उससे मैं क्या करता हूँ कि अपने लिए बढ़िया रूम बनाऊंगा और फिर स्किल बिल्ड को रेडी करेंगे, ठीक है। और मुझे सबसे ज़्यादा डर किसका है पता है, वो ज़ॉम्बी है, मुझे ना कूट गाले, इसलिए मैं क्या करूँगा कि मैं जाकर, अरे नहीं 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 भाई साहब, इसे कहते हैं क्लिच, क्लच, तुम्हारे चलती सीढ़ी को कैच कर लिया तुम्हारे भाई ने, मतलब मुझे को कैच कर लिया सीढ़ी ने, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से खोदते जाएंगे, पहले तो मुझे छोटा सा रूम बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक साइड मेरे यहाँ पर कैप भी है, तो मैं कैप को ना तोड़कर, ये देखो ज़ॉम्बी की आवाज़ आ रही है, ज़ॉम्बी ने मुझे देख तो लिया पर मेरे को कुछ, ये चिल्ला क्यों रहे हैं यार, अब मोहल्ले के बच्चे यार, तुम्हें बताए यहाँ पर खेल कूद ज़्यादा होता है, तुम्हें पता है जिस मोहल्ले में बच्चे हो ना वो चुपचाप बैठेंगे कि ये देखो कि कैब रही, मैं इस जगह नहीं खोदने वाला क्योंकि ये कैब मेरे को डरा दी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये करूँगा, ठीक है, तो फिलहाल तो इसको लगाते हैं, आज साउंड बाद में आएगा, ये मेरा खास मज़ेदार चीज़ है, मैं इधर भी नहीं खोदूँगा, मैं इसे इधर खोदूँगा, पहले टॉर्चेस लानी पड़ेगी यार, मैं अपना सामान सॉर्ट आउट करता हूँ, नहीं ठीक है। तो मैंने रेडी कर लिया है, ओके, तो मैंने ये रेडी करके छोटा सा रूम बनाया, क्योंकि मुझे ज़रूरत है, यहाँ पर बार बार स्पॉन तो हो जाऊँगा अगर मर भी नहीं गया, मैंने मर गया तो, ठीक है। और मैंने चेस्ट बनाया, जस्ट मैं इसके ऊपर ही लैंड होऊंगा, ठीक है, अगर बस क्रैश लैंडिंग ना हो, वैसे ये बस मैंने तोड़ना शुरू कर दिया, पर मैंने देखा कि इसके अंदर जो दो चेस्ट तो मिली है, पर वो क्या है यहाँ से देख सकते हैं उस चेस्ट को, ठीक है, देखते हैं क्या है इसमें, देख लो भाई, ब्रेड है, TNT बनाएंगे, और ये डिस 13 जो पता नहीं, गाने तो आते नहीं इसमें, बस साउंड के अलावा, ओके, एक तो ये मिला है, ये भी रख लेते हैं स्ट्रिंग्स, ठीक है। और तू मुझे को फार्म, मुझे फार्म चाहिए भैया, फार्म तो मैं बना करूँगा, मैं कैसा भी फार्म बनाऊँगा एक नंबर, ठीक है। फिलहाल तो मैं ये करता हूँ, इनको वापस रखता हूँ, मैं कोशिश करूँगा पहले तो उस चीज़ को बंद करूँ, क्योंकि अगर वो बंद नहीं हुई तो मैं ऊपर चला जाऊँगा, तो मुझे वो रखना पड़ेगा, और मुझे काफ़ी सारे कोबलस्टोन भी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। चलो अब मुझे वो बंद करना है ना, तो उसे बंद करने का तरीका एक ही है, पहले तो यहाँ पर सेफ्टी खेलेंगे, सेफ्टी से, ठीक है, मुझे सेफ्टी खेलना बहुत अच्छी तरह आता है। तुम पर आ सकते हो क्या, नहीं आ सकते, औकात ही नहीं तुम्हारी, तुम पता है ये क्या है, ये है सी फोर सॉर्ड, नहीं यस फोर सॉर्ड, मैं यहाँ से मैं एच पी फॉर्म बनाऊँ ना बनाऊँ, लग सकती क्या, थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा ना, ठीक है, रेडी करते हैं इसको, भाई प्रसाद बैठ रहे हैं, तरीका मेरे से सीखो, अरे भाई ये चेस्ट ऊपर आ सकते, चेस्ट तोड़नी पड़ेगी, फिलहाल तो मुझे वो बंद करना है ना, ऑलराइट,
अब उसके साइड में लगाओ, ओके एक वहाँ लगाओ। ये करता रहते जिंदगी में और काई काम करता के पास, वैसे बेचारे क्या करे, मजबूर आत्मा है। मोड़ना गलती से नहीं तोड़ना, मुझे वैसे चेस्ट तोड़नी है। चेस्ट तो ये भी ले लेगा ना, ले भाई चेस्ट बट रही है चेस्ट। ये देखो आ गया, वो आ गया, देखो राम को आ गया, वो चेस्ट भी ले लिया, डिस्पोन भी नहीं होने वाला बंदा। और ये जो हवा में उड़ के बैठा है ना ये, हट यार, आपको रात चेक यहाँ पर चढ़ रहे थे। अरे यार मैं जिसकी चीज लेना चाह रहा वो तो दे ही नहीं रहा। ये कैसे आया ऊपर, मैं तो चेस्ट को मारा था, ये ऊपर कैसे आया भाई? जस्ट चेस्ट छूटी और क्या करूँ, मेरे परेशान आत्मा, पीछे धुआं निकल रहा है। एक्चुअली क्या है कि मच्छर काट रहे, इसलिए मच्छर की दवाई है दवाई, तो मच्छर भाग जाएंगे। ठीक है बेटा, वो ऐसे देखता रहेगा ते, हाँ ऐसे ही रोता रहेगा, हाँ यही करेगा जिंदगी में बुढ़ बुढ़। ठीक है थोड़ा तो पीछे भी लेते हैं इस ब्लॉक के, जस्ट इधर हमारा वो स्टेयर है, स्टेयर को नहीं तोड़ेंगे। ठीक है तो एक कदम पीछे रहेंगे क्योंकि हमें जगह भी कॉबल स्टोन, ये कॉबल स्टोन भी चाहिए और ये टूट गई सत्यानाश जाए। अरे रे रु रु रु, तो आकाश मोटा दिमाग मत लगाया कर, छोटा दिमाग। कॉबल स्टोन तो हमें चाहिए सही, क्योंकि हमें जो बिल्ड बना रहे हैं वो मुझे नहीं पता बिल्ड कैसे बनता है, पर मैं देख देख कर बनाऊँगा। ठीक है मुझे भी नहीं पता, मेरा पहला ये एच पी फार्म है तो मैं इसे बना रहा हूँ। ठीक है ये पॉकेट रेडिएशन का एच पी फार्म है तो इसे अपने हिसाब से बनाएंगे। ठीक है मुझे पता है नहीं इसकी हाइट कितनी रखूँ, पर हाइट ज़्यादा नहीं रख दे। ठीक है चारों तरफ से पानी रखना है, पहले तो मुझे इसके चारों तरफ से बूझना है, इसको बंद करना है। मैं बूझना बोल रहा हूँ, सॉरी ये मेरी तरफ की लैंग्वेज है, मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर ये है पैदाइश, तो ये मेरी बोली मेरी होली होप। बेटा हो ना तक मैं तो, हाँ पता ना मैं टोच ली चोड़ ला होते, टोच भी लेवल आ गया, खाए गड़ाओ और काय काय लेगा माँ को। एक सेकंड इधर, वो इधर भी केव आ गई, मैंने तुमसे ही उम्मीद तो नहीं थी बच्चों, उम्मीद तो नहीं थी तुमसे, क्योंकि मुझे डर लगता है भाई पीछे से आके दब्बा कर जाए, खास कर क्रीपर, वो तो अपना लंगोटिया यार है, वो तो कहता है और भाई देखे बात बोलता है, पहले बोलता है मारता है बाद में पूछता है और भाई फूट गया मजा आ गया, मैंने और गुस्सा हो चुका। एक सेकंड ये सारा हो मैं क्या करूँ, लाइक मारो यार, मैं सब्सक्राइब करने को बोल रहा हूँ तो सब्सक्राइब कर दो, बोला तो नहीं पर बोल रहा हूँ ना। वैसे भी तोड़ना है हमको इसे, क्योंकि हमें बड़ा बनाना है इसको। ठीक है काफ़ी बड़ा जो ये भाई ये ज़्यादा ज़्यादा हो गया इसलिए तो नहीं हो रहा ना, रुको रुको रुको, ये ज़्यादा खोल रहे हैं, एच पी भी मिल रही है इसलिए कहता हूँ एच पी फार्म बना लिया करो। मैं खुद को बोल रहा हूँ कम करते हैं इसलिए हमको ये सवाल दे देगा भाई, सवाल दे देना, सवल नहीं देगा वो नाम को, मेरी सवल मेरी वो टूट गई, मुझे फटाफट जाकर बनानी पड़ेगी, अभी आता हूँ, ज़्यादा बोलो मत हो, आ रहे तुम ला रहे हो तुम्हारा सामान, रुक जाओ यहाँ ना बताऊँ एक इसी तेजी में बोलूँ। अरे कॉबल स्टोन है भाई, क्या ही दिक्कत है, मैं आयरन लेकर नहीं आया, मैं घर से आयरन नहीं लाया, मैं सही हूँ, मैं ये पता नहीं पैदा इसी ऐसी अक्ल दी है मेरे को। रुको रुको काफ़ी सारी चीज़ें बनानी पड़ेगी दोबारा, रीसेट रीसेट। ठीक है मुझे एक्स भी बनानी है, ओके और पिकेक्स भी दोबारा बनानी पड़ जाएगी तो रख लेते हैं एक्स्ट्रा। ओके और क्या चाहिए, तीन चीज़ें चाहिए, सवल चाहिए, सवल भी बनानी पड़ेगी। सवल कैसे बनती है, सवल कैसे बनती है, सवल नहीं बन रही, ये बन गई। चलो आ जाओ रे, आओ अंधेरों कायम हो क्योंकि दिखा दो, ए देख ए अड़ जा अड़ जाओ जाओ, मैं देख देता हूँ, उजाला हमारी उम्मीद का अभी तक है। अरे बैठा हो तो छोड़ गया का, ओ यार भाई लाख का खतरनाक, नहीं नहीं भाई साहब आ गया यार, अरे भाई लाख कैसे थे यार, अरे यार तेरे, अरे सूट वूट में आया ये ज़ॉम्बी मारखा पकान। अरे एच पी 2500 की लेवल, मैं कह रहा हूँ एच पी फार्म जरूरी है बच्चों, एच पी फार्म जरूरी है। वो देखो वो अपने स्पॉनर की रक्षा कर रहा है कि तुम लोग लड़ो मैं रक्षा करता हूँ। एक सर ये टॉर्च तोड़ दी क्या इसने, अरे यार वो मैंने तोड़ी थी ना, अरे उधर मत जाओ, टॉर्च भी बनाओ रे दुखी आत्माओं के लिए। लाइक मारो यार, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ यार, लाइक तो मारो यार, तुम्हारे लिए तो सब कुछ हाजिर है, प्यार हाजिर, तुम हाजिर, मैं हाजिर। अंधेरा हो रहा है यार, मुझे मजाक लग रही है, सो जाते हैं ये दिक्कत करेंगे क्या,
मॉन्स्टर द हंटर, मैं ही बॉस, मैं ही गॉड, मैं ही सब कुछ कहलाया हूँ, मजाक कर रहा हूँ, दिस इज फन, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। मेरे को कहाँ है टॉर्च का आइटम, ये रहा, मारो लगाओ। ओए बच्चे तू बताओ ना, तुम कितने अच्छे, गंदे ना कर भी नहीं आते। ये लो आखिरी उम्मीद भी गई, थोड़ी आखिरी उम्मीद है, मैं क्या यहाँ से लगा सकता हूँ कि जी हाँ है जी मैं लगा सकता हूँ क्या, हट जा। ओ एन्चेंटमेंट वाला, ए एन्चेंटमेंट के छोरू लग गई, अब तुम्हारे कोई भी प्रजाति यहाँ पर कदम नहीं रख सकती, तो आप दो आखिरी पुरुष महिला दोनों में से जो भी हो मर जाओ, मर जाओ, किसी को कोई जरूरत नहीं तुम्हारी, तुम भी चले जाओ। वाकई आयरन देकर गया है, इसे कहते हैं बड़े दिल वाला, ज़ॉम्बी ने आयरन दे डाला। एक सेकंड, मुझे ऐसा लगा पानी आ गया, क्या पानी है इसके पीछे भाई, मैं अभी बस, अब तो ज़ॉम्बी नहीं आने वाला क्योंकि अंधेरा उजाला है, ठीक है, तो ज़ॉम्बी का आना चांस कम है, बस यार क्रीपू ना आ जाए, क्रीपर इज द नॉट ईजर द चीटर। क्रीपर को देखकर मुझे घुन आती है, घिन आती है। दरवाज़ा बंद करो, कोई अंदर आ जाएगा। कुंदी ना खटका राजा, ज़ॉम्बी आ गया अंदर राजा, आजा खजा। एक और दरवाज़ा, ये लो अब कोई क्यों काचे का यहाँ बाकी, हाँ खुलो सांड जब मरो, ये अब मारो काई ना हो सके, अब ज़ॉम्बी काई ना कर सके मारो काटी। हाँ रुको रुको रुक जो मजो लेगा, ऐसे मजो नहीं ले, पाचा आगे लेगा। गाइस अब मैं खुला सांड हूँ, मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता, ये देखो गाइस अकेला है, अब मैं ज़ॉम्बी के फार्म में, ज़ॉम्बी नहीं है इस फार्म में। लाइक ठोको, जो भी नया है सब्सक्राइब ठोको, बेल आइकन ऑल प्रेस ठोको, क्या तुम वापस आ सकते हो, कोई चांस नहीं। ये साउंड इफेक्ट्स की तो ऐसी की तैसी, अब मैं सो सकता हूँ गहरी नींद में। तो गाइस सब काफ़ी सारी बातें हो चुकी है, तो मैं चाहता हूँ तुम लोग करो लाइक, और मैं इसे फटाफट इसको रेडी करके मिलता हूँ बस दो मिनट में। वैसे तुम सोचोगे अरे भाई बुरा बनाओ ना, बनाऊंगा ना, अभी कौन सा नुक्ता बाड़ी कर रहा है हराम घोर, कहाँ पर आ गया स्पॉनर, और ज़ॉम्बी स्पॉनर तो वजह से नहीं हो रहा ना, पहले तो इसे पूरा रेडी करके मिलता हूँ, क्योंकि कितनी हाइट चाहिए कितनी नहीं चाहिए सब कुछ करके मिलता हूँ बस दो मिनट में। जी हाँ दोस्तों, सब काम होते हैं दो मिनट में, पर उसकी सच्चाई होती है दो दिन की, नहीं दो घंटे की, हो सकता है कोई कह नहीं सकते, अगर तुम्हारे सामने कोई बड़ा काम दिख रहा है और वो बोल रहा है दो मिनट, तो समझ जाओ वो लगेगा दो दिन, अगर वो छोटा काम है तो लगेंगे दो घंटे, अगर वो कह रहा है कि मैं अभी ढूंढ के मिलता हूँ बस एक मिनट में, मतलब वो करता है चीटिंग, मजाक कर रहा हूँ, किसी को नहीं बोल रहा, वैसे मैं अपने आप को भी बोल रहा हूँ, किसी को नहीं बोल रहा, ये तो बस मेरा मन है जो कुछ भी हक देता है बोल देता है। लाइक ठोको, जो भी नया है सब्सक्राइब ठोको, बेल आइकन ऑल प्रेस ठोको, मैं इसकी हाइट करके मिलता हूँ, मुझे पता है कितनी हाइट चाहिए, चार नीचे जाना चाहिए, चार ऊपर जाना चाहिए, चार बगलों में जाना चाहिए, तो ये सिंपल सा ऑप्शन है, तो इसे ज़्यादा दिल में मत लेना, मैं इसे रेडी करके मिलता हूँ बस दो मिनट में, ठीक है। तो वो पूरा चौकोर बना लिया है, यानी बॉक्स रेडी कर लिया है, पर गलती क्या होगी, वो बॉक्स कुछ ज़्यादा ही नीचे चला गया है जिसको जाना चाहिए, क्योंकि मैंने वीडियो देखनी पड़ी दोबारा से, क्योंकि यार मैं खुद कन्फ्यूज हूँ, मैंने पहली बार फॉर्म बना रहा हूँ और मुझे कोई आइडिया नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो मैं इसलिए मैंने सोचा कि यार कुछ तो देखना पड़ेगा, यार मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, गड़बड़ मैंने कर दी है हद से ज़्यादा, ठीक है। मैंने देखो चारों तरफ से तो बराबर खींच दिया है ऊपर से भी, लेकिन नीचे से कुछ लंबाई खींच दिया, जहाँ पर मुझे चार खींचना चाहिए वहाँ आठ खींच दिया, देखो और खींचने के साथ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, मुझे आयरन मिला ओके, और कुछ नई चीज़ें मिली मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। पहले तो फिलहाल मुझे यहाँ तक इसे वापस ढकना होगा, ठीक है, ये ज़्यादा दिख रहा है तो मैं ये डर्ट, ठीक है, और मैंने यहाँ पर ग्रेवल नीचे गिर गई थी इसलिए मैंने इसको उठाया, पर मुझे यहाँ पर कुछ नई चीज़ें मिली है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये ग्लिच है यार, इसको छोड़ो, ठीक है, यहाँ पर आयरन मिला, फिर यहाँ पर और आयरन मिला, ठीक है, इधर भी आयरन मिला, ये मैंने यहाँ तक देखा, ठीक है, मैं आयरन तो लेने आ सकता हूँ, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक बात ये हुई कि मैं यहाँ तक आया मैं इस पानी को बंद करने के लिए, लेकिन भाई यहाँ पर कुछ नई चीज़ें भी दिखी मुझे, ठीक है, यहाँ से तुम देखोगे ना तो क्या दिखेगा, पहले तो मैं इस पानी को बंद करना चाहूँगा, पर पानी बंद नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर से बंद नहीं होगा, ठीक है, तो मुझे इसे बंद करना होगा, ये मेरा ट्रैक था, ठीक है, ये मेरा, ये लो पानी बंद,
ठीक है, अब मुझे यहाँ टॉर्चेस लगानी होगी क्योंकि ज़ॉम्बी स्पॉन हो सकते हैं। ठीक है, मैं आज ज़्यादा नीचे नहीं गया पर मैंने यहाँ से देखकर मैं हैरान हो गया। वेलकम टू माइनक्राफ्ट। जी हाँ दोस्तों, हमें मिली नई खोज, यहाँ मिली मुझे माइनक्राफ्ट। और तुम कहोगे मिठाई या बटो आकाश, तुम्हें तो माइनक्राफ्ट मिल गई। अब तो हर जगह, अब तो आयरन, गोल्ड, कॉर्न और नीचे आयरन मिल भी गया। लेकिन अभी हम नीचे नहीं जाएंगे, अभी हम उसे एक्सप्लोर नहीं करेंगे। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left